हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे नए पोस्ट आते रहते हैं कि रिवर्स वॉकिंग के फायदे, रिवर्स वॉकिंग, रिट्रो वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग या पीछे चलना, उल्टा चलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का एक तरीका है। हमेशा हम आगे ही चलते रहते हैं और जब हम पीछे चलते हैं तो हमारे पीछे की मसल्स जो कम यूटिलाइज होती है उनका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो रिवर्स वॉकिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसे कैसे करना और स्पेशल टिप्स मैं आपको आज बताती हूँ। पेनी विंगो एक फर्स्ट अमेरिकन था जिसने रिवर्स वॉकिंग करी और वो भी 1000 माइल। उससे उसका डिप्रेशन न केवल दूर हो गया अपितु उसकी जर्नी भी बड़ी एडवेंचरस रही और उससे बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट भी रहे। रिवर्स वॉकिंग के ब्रेन पे बहुत सारे फायदे हैं। आपने देखना, जब आप रिवर्स वॉकिंग या उल्टा चलते हैं तो आपका माइंड बहुत अलर्ट हो जाता है, एकदम अलर्ट मोड पे आ जाता है। मतलब आपकी मेमोरी भी बढ़ने लगती है और आपका विजन चूंकि काम नहीं करता है तो आप अदर सेंस से आप बैलेंसिंग बनाने लगते हैं। मतलब बैलेंसिंग भी बढ़ जाता है और आपका मूड भी एलिवेट हो जाता है, थिंकिंग पावर बढ़ जाती है और नींद अच्छी आती है इन सब कारणों की वजह से। तो बैकवर्ड वॉकिंग में स्लो स्लो स्टेप्स, आप स्मॉल स्टेप लेते हैं तो एंड्योरेंस भी बढ़ने लगता है। बैकवर्ड वॉकिंग से बोर्डम कम हो जाता है और खुशियां ज़्यादा आती है, और बैकवर्ड वॉकिंग से मसल्स पे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले आपका पोस्चर अच्छा हो जाता है, जो आप रेगुलर बैठे रहते हैं और बैकवर्ड वॉकिंग करने लगते हैं तो मसल्स थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका पोस्चर अच्छा होने लगता है। इवन रिसर्च ये बता रही कि जो पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, जब उनको फिजियोथेरेपी कराते हैं और बैकवर्ड वॉकिंग कराते हैं तो इन पेशेंट को स्पेशल फ़ायदा होता है। रिसर्च ये भी बता रही है कि फॉरवर्ड वॉकिंग के साथ जब आप रिवर्स वॉकिंग करते हैं तो यू बर्न मोर कैलोरीज। मतलब आप जब ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं तो डेफिनेटली वेट लॉस के लिए रिवर्स वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स वॉकिंग करने से स्पेशल मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, जैसे हिप्स की मसल्स, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और कमर के पीछे वाले भाग की मसल्स। अगर आपको नी इंजुरी है या घुटने का दर्द है और आप बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं तो आपको घुटने का दर्द भी नहीं होता है। तो ये बूढ़े लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ये सजेशन रहेगा सभी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, उन्होंने तो तुरंत ही बैकवर्ड वॉकिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, सेफ इन्वायरमेंट में ताकि आप गिरे नहीं। ट्रेडमिल पे आप चल सकते हैं उल्टा या फिर बाद में धीरे धीरे दौड़ भी सकते हैं। ट्रेडमिल अवेलेबल नहीं है तो आप किसी का फ्रेंड का हाथ पकड़े, उसे बोले कि तू सामने अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जा और एक दूसरे को बात करते हुए एक पर्सन रिवर्स वॉक करेगा और एक पर्सन फॉरवर्ड वॉक करेगा, जैसा मैं अपने बेटे के साथ गप्पे मारते मारते करती हूँ। तो रिवर्स वॉकिंग के बहुत फायदे हैं, आप भी इन फायदों का उपयोग कीजिए।